दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। ये वीडियो हम स्पेशल अपने दोस्तों के लिए लेके आए हैं जो यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं प्लॉट दिलवा दो। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं 20 साल से देश को सेवा देते हुए प्रधान जी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे आप किसी को प्लॉट दिलवाओगे बताइए। देखिए, अभी जो समय चल रहा है, इस समय तो लेने का समय है, लेकिन बेचने वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो बड़े प्लॉट हैं उनके रेट डेढ़ गुना हो चुके हैं और छोटे प्लॉट जो है एजिटेड हैं। जो पहले मार्केट में रेट थे वही रेट हैं, अभी उनके ऊपर कोई रेटों का चढ़ाव नहीं आया है, तो हो सकता है कि उनके ऊपर चढ़ाव आए, इसलिए अभी लेने का समय है छोटे प्लॉटों को। बड़े प्लॉटों को जो है बेचने का समय अच्छा आया हुआ है। तो प्रधान जी का ये कहना है कि जैसे हमने स्टॉक मार्केट में एक शब्द सुनते हैं प्रॉफिट बुकिंग, कि जैसे स्टॉक में तो हम सिर्फ टिक मार के प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, पर ये प्रॉपर्टी में भी सही टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि अगर हम 1.5 साल का गैप देखें तो 60 का माल 1,20,00,000 का हो गया है, 30 वाला 60 में हो गया, 60 वाला 90 में, तो ऐसा अल्ट पल्ट तो कहीं होता ही नहीं है। जब आज के टाइम पे बैंक ब्याज 2.5% है और साल में आपको 1 करोड़ के ऊपर 2.5-3 लाख रुपये मिलता है, और जहाँ पे एक साल में 1 का 2 करोड़ हो जाए तो ये धंधा कहाँ मिलेगा। तो प्रधान जी ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास माल है, जो लोग इन्वेस्टर है ग्रेटर नोएडा के अंदर, कि वो माल बेच दें, लालच ना करें, कि माल बेचेंगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसके बदले में कैपिटल गेन का लाभ उठाते हुए दूसरी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। अभी क्या है कि देखे, तेजी इसको नहीं बोलते हैं कि छोटे प्लॉट का रेट ही नहीं बढ़ा, ना कोई फ्लैटों का रेट बढ़ा, एक पार्टिकुलर सेगमेंट का रेट बढ़ा हुआ है। जो बड़े प्लॉट है 200 मीटर प्लस 300 400 हज़ार, इनके रेट जो है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, पर छोटे प्लॉट जो है वहीं पे हैं। देखिए, कोई भी तेज़ी आती है, बाढ़ आएगी तो सब जगह जो है नाश करके जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि एक पार्टिकुलर सेगमेंट को जो है वो इंक्रीज कर रहा है और बाकी सब चीज़ें एजिटेड बनी हुई थी, ये तेज़ी जो है कहीं से भी जो है सही नहीं है। प्रधान जी का ये कहना है कि 120 मीटर 150 200 500 हजार 2000, इसमें तो जैसे होता नहीं है आष्टवादी दिवाली पे जाती है यूं, इसमें तो ऐसे आग लगी हुई है, और छोटे वोटों का तो पूछ नहीं रहा, छोटे पटाखे होते ना पिस्तौल में डाल के चलाते हैं हम, फुलझड़ी पटाखे की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि दोनों की ज्यादा वैल्यू है। अगर आप देखें तो 80% लोग फुलझड़ी चलाते हैं, छू वाला तो कोई चलाता है, यहाँ उल्टा हो चुका है, सबको जू चाहिए। तो जी क्या राय है फिर आपको कि जो जिनके पास माल है वो बेच दें? हाँ, जिनको जो बहुत दिनों से बड़े सौदे लेके रखे हुए हैं, करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं कि भाई बढ़ेगा तो बेचेंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा समय आया है। जो बेचने के लिए इंतजार कर रहे थे उनका तो बहुत अच्छा समय आया है। अभी कब पता नीचे डाउन हो जाए, क्योंकि हर लेवा जो है ये देखता है कि कम होगा तब लेंगे। अच्छा प्रधान जी, जैसे अभी एवरेज 60,000 का रेट है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है जी, 200 मीटर का 1,20,000 के आसपास मिल जाता है, बना बना ले लो चाहे कोरा ले लो, बल्कि कंप्लीशन ले लो चाहे बना बना ले लो। अब लेगा कौन, कौन बंदा लेना चाहता है इस वक्त, जो आपका इतना व्यक्तिगत तजर्बा है वो बताओ कि कस्टमर कौन है, हु इज द क्लाइंट। अब कोरोना काल के खत्म होने के बाद से दिल्ली से लोगों ने पलायन करी है, तो उसमें से मोस्टली 90% वही कस्टमर थे, लेकिन अब उनको भी पता चल गया है कि यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें क्या है। डिफरेंस देखते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कितना डिफरेंस है, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा का डिफरेंस कितना है, इसके वजह से जो है इंक्रीजमेंट आई है। लेकिन इंक्रीजमेंट आई भी तो केवल बड़े प्लॉटों में क्यों आई, छोटे प्लॉटों में क्यों नहीं आई। प्रधान जी आपने भी सही बताया कि कोरोना के कारण जो लोग डरे हुए हैं दिल्ली से, वो लोग यहाँ खुले में आके रहना चाहते हैं, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही सर, पोल्यूशन तो उतना ही है, दिल्ली में अभी 400 था तो ग्रेटर नोएडा में भी 400 था जी, फिर भी लोग क्यों आना चाहते हैं? तब फिर भी जो है यहाँ खुलापन है, खुला पहले पेड़ ज्यादा है, हाँ खुलापन है, वजह से आते हैं आदमी जो है। बिल्कुल सही पॉइंट है कि पोल्यूशन ज्यादा है, पर मान लो घर के आसपास पेड़ है उसे तो अच्छी हवा मिलेगी, तो ये आपका जेन्युइन पॉइंट है। तो फिर आप पोल्यूशन की जो मानक होती है, हो सकता है परिचय के आसपास का होगा, हाँ इतना वो तो जहाँ गाड़ियां चलती है वहां का मानक लिया जाता है, जहाँ सेक्टरों के अंदर का कम होगा, बिल्कुल कम होगा, तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि जगह ज्यादा है। अच्छा सर, आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ और नए सेक्टर कटेंगे? जैसे भी मैंने सुना ग्रेटर नोएडा में तो कोई सेक्टर कटने का चांस है नहीं, क्योंकि इनके पास जमीन नहीं रह गई है, लेकिन अच्छा। कोई नया नोएडा डेवलप करना है, ओके, जहाँ 80 गाँव को लेके जो है ये बना रहे हैं,
तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में जो है उनका एक नया सार बने। देखो जी, जो बंदों की उम्र 30 साल है वो तो न्यू नोएडा के लिए जाएं, और जो बंदों की उम्र 50-55 है, रिटायर होने वाले हैं, वो ले सकते हैं जी। लेकिन डाल दो, 3-4 साल बाद आ जाओ। तो आप इसे समरी करके क्या समझाना चाहोगे लोगों को कि शहर में क्या करें? मैं यही कहूँगा सब भाई बंधु से जिन्होंने खरीदना है कि देखिए, ग्रेटर नोएडा में रोड वही है, जो सेक्टर थे उनका डेवलपमेंट वही है, कोई डेवलपमेंट में इंक्रीजमेंट नहीं आई है, बिजनेस नया नहीं आया कोई, हाँ कोई इंडस्ट्री भी नया नहीं आया है, वो भी वही वजह से जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन एक देवोती वो तो भाग गई बेचारी, होंडा भी भाग गई, भले 2-3 साल बाद आ जाएगा लेकिन अभी कोई इंक्रीजमेंट नहीं आया। अगर कोई चीज मान लीजिए कि आता है तो उसको देख के जो है पब्लिक आती है तो कोई चीज का रेट बढ़ता है तो जायज लगता है, लेकिन यहाँ एजिटेट जो 10 साल से वही था, अभी भी वही है। आप चले जाइए चाई फाई में, वहाँ पे सारे लेबर रह रहे हैं 1000 मीटर 2000 मीटर के प्लॉटों में। एक सर मैंने एक बात और सुनी है कि किसी भी दुनिया में जो मारवाड़ी राजस्थान की मारवाड़ी बनिया, जैसे मैं कुछ जाति विशेष पे नहीं बोल रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ कि मारवाड़ी बनिया पंडित ठाकुर कि ये जो उच्च कुल है, जो वर्षों से सिस्टम बना है हमारे सनातन धर्म में कि जिनके पास पैसा ज्यादा है, जब तक वो कम्युनिटी यहाँ नहीं आएंगी तब तक भी क्षेत्र का विकास नहीं होगा, इस बात में कितना दम है? ये तो देखिए, हमारे भारतवर्ष में विडंबना है, इसको कह सकते हैं कि जिसके पास जो है बहुत पैसा है उसके पास बहुत पैसा होते रहते हैं, और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, वो उठ नहीं पाता है। पर सर ये तो बोलोगे नंगा नायका का निचोड़े का क्या, ये तो शहर तो मीरों का ही है। देखिए 1,20,00,000 से डील चाहिए, उसके बाद बनाने का खर्चा, उसके बाद घर में ये टेबल सेवल सोफे सोफे डालो तो अच्छे घर बनाने में 3 करोड़ तो लगेगा ही ग्रेटर नोएडा में, तो सर एक गरीब आदमी के पास मजदूरी वाला कैसे घर ले लेगा यहाँ पे? हम मजदूरी वाले को भी दे देंगे 8,00,000 का 7,00,000 का, प्रधान जी का दिल तो इतना बड़ा है, आप आओ ओमिक्रॉन वन में, ये तो गरीबों को भी दे देंगे। ऐसा नहीं है प्रधान जी 2 करोड़ वाला बेचते हैं कि 7,00,000 8,00,000 में भी दिलवा देंगे, पर ये शहर अमीरों का है, ये बात तो माननी पड़ेगी सर। तो फिर हम इसे फाइनल बताओ कि क्या संदेश है आपका जो यहाँ पे घर लेना चाहते हैं और जो लेके दबा के बैठे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बता दो। अभी संदेश तो यही है कि जिनको घर लेना है वो ले ले, क्योंकि बड़े में अगर रेट इंक्रीज किया है तो उसका असर छोटे में बहुत जल्दी आने वाला है, तो कहीं ऐसा ना कि आप मौके का चूक जाए, इसलिए जो है अपना घर बना ले तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सही है, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा डाल के भी अगर आपका मन है तो लेके नक्की करो, और जो लोगों ने माल दबा रखा है भैया ठीक ठाक कमा लिए तुम बेच के नक्की करो। तो ये जो रुकी हुई है, एक जो ठहराव आ गया है उसको अब खत्म करने का समय है, अगर ठहराव खत्म नहीं हुआ तो फिर वही हो जाएगा जो भारत पाकिस्तान का हुआ, इधर बात ही नहीं हो रही है, वो अपना उधर बैठा है हम इधर बैठे हैं, जबकि बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो मिलजुल के रहती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है, दोनों का बॉर्डर मिला हुआ है, दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, लोग रहते एक देश में रहते हैं दूसरे देश में जॉब करते हैं, तो इसी तरह सेलर और बायर जब तक दोनों आगे नहीं आएंगे तो ये प्रॉपर्टी की मार्केट अच्छे से नहीं चलेगी। तो हमारा दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोनों आगे आए, मिलें और एक अच्छी डील करें, ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। प्रधान जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।